सारे फंड्स का एसोसिएशन है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स एंड द फर्म्स दैट आर अ पार्ट ऑफ इट सारे एंटिटीज जैसे कि फंड हाउसेज ट्रस्टीज एडवाइजर्स इंटरमीडियज सबको रजिस्टर करना होता है एम के साथ एंड एम का ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर सब फंड के यूनिफॉर्म एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स हो सारे मेंबर्स एंड इन्वेस्टर्स रूल्स फॉलो करें और एथिकली बिहेव करें एजुकेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होस्टिंग ऑफ रेगुलर वर्कशॉप ऑन वेरियस सो दैट इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू एवरी वन एंड अ मैकेनिज्म इज देर थ्रू विच ऑल ग्रीवें कैन बी रजिस्टर्ड बाई द इन्वेस्टर्स हमने पहले पढ़ा था कि म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप मल्टीपल एंटिटीज के साथ टच में आ सकते हैं जैसे कि एजेंट्स ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज तो आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंटिटी क्रेडिबल है ये क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए होता है ए आर एन विद स्टैंड फॉर एम फी रजिस्ट्रेशन नंबर ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो फंड्स सेल करने के लिए क्वालिफाइड होते हैं इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले ए आर एन नंबर जरूर चेक करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशन में एम फी का मेजर रोल है मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय फाइव पैसा के अगले एपिसोड में बाय